नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा के पूर्व सांसद रहे श्री मनमोहन सिंह जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस, क्या कहेंगे आप आगामी त्योहारों को लेकर? आप एमपी भी रहे हैं मथुरा से, और आपने कई वर्ष ये त्यौहार मनाया भी है, और जैसे अब जो भीड़ बढ़ती जा रही है मथुरा में, क्या जब आप एमपी थे जब भी ऐसी भीड़ होती थी? देखिए, सर्वप्रथम तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और दाऊ जी, यहाँ तमाम तीर्थ हैं और उनका संबंध सभी का भगवान कृष्ण से है, क्योंकि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण और माँ राधिका जी का जन्म स्थली है, उनकी क्रीड़ा स्थली है और उनकी ये प्रेम स्थली है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर एक बार हमारे जो भगवान से उन्होंने मोक्ष दायिनी कहलाती है यमुना जी, और यहाँ पर जो संस्कार होते हैं, जो पैदा होता है या जो यहाँ जिसकी मृत्यु होती है ब्रज में, और या जिसका कोई भी संस्कार जनेऊ संस्कार होता है, तो ऐसा शास्त्रोक्त है कि उसको मोक्ष प्रदान की जाती है भगवान की कृपा से। और जो यमुना महारानी है वो मोक्ष दायिनी है, क्योंकि भगवान कृष्ण की वो पटरानी है, इसलिए उनका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए यहाँ जो दाह संस्कार होते हैं, उनके जो शेष होते हैं, बस्ती होती है, उसको ये मथुरा से बाहर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि उनकी यही मोक्ष हो जाती है। तो एक बार जो मैं कह रहा था, भगवान से मुक्ति ने पूछा कि प्रभु, आपके आदेशानुसार मैं सबकी मुक्ति कराती हूँ, मगर आप से मेरा ये निवेदन है कि मुझको भी मुक्ति का कोई रास्ता दिखाएं। तो उसमें है कि मुक्ति कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताओ, मुक्ति कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताओ। तो भगवान ने उनसे कहा कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, स्वतः मुक्ति हो जाए। तुम जाओ और ब्रज में, जहाँ भगवान राधा कृष्ण ने लीलाएं की हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है, जहाँ उन्होंने रास लीलाएं की हैं, जहाँ उनका वो जो प्रेम स्थली है, वहाँ जाकर उस ब्रज में भगवान का स्मरण करिए, ब्रज रज को मस्तक से लगाइए, आपकी स्वतः मुक्ति हो जाएगी। तो ये एक बड़ी विलक्षण यहाँ पर स्थली है, जहाँ भगवान नित्य प्रतिदिन आज भी यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि जब उद्धव को वहाँ, जब भगवान यहाँ से द्वारका पधार गए थे, तो यहाँ गोपियाँ सखियाँ जो थी बहुत परेशान थी उनके चिंतन में, उनके दर्शन के लिए। तो उद्धव को निरंकारी थे वो, उनको घमंड भी था, तो भगवान ने उद्धव को ही भेजा कि तुम जाओ, और वहाँ सखियाँ बहुत परेशान हैं और गोप बहुत परेशान हैं ब्रजवासी, उनको समझाओ कि वो इसमें ज़्यादा न करें, हमारा स्मरण करती रहें। तो उद्धव ने यहाँ बहुत समझाया है, और उद्धव को ये उनकी जो भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था, उनकी जो श्रद्धा थी, उनकी जो भक्ति थी, उसको देखकर उद्धव भी निरंकारी से और भगवान के प्रति आस्तिक हो गए। आप सब देख रहे हैं पल पल, जैसे कि ब्रज की नीला के साथ भी बताया, ये वही मथुरा लोकसभा के सांसद रहे हैं। आज जो आरोप लगाया जाता है कि सांसद के दरवाजे नहीं खुलते, सांसद नहीं मिलते, आप सब देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। हमारे साथ जुड़े हैं मथुरा के पूर्व एमपी श्री मनमोहन सिंह जी। इनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, चाहे कोई भी मिले। आज भी कुमार मनमोहन सिंह जी
राहुल शर्मा के साथ लाइव टेलीकास्ट न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस।